नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हुए शामिल, भेजा जा सकता है राज्यसभा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद यह माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सिंधिया को भाजपा मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेज सकती है। उधर बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया समर्थक विधायक उनसे नई पार्टी बनाने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं। बेंगलुरु के होटल में ठहरे बागी कांग्रेस विधायकों का विरोध करके स्थानीय युवक कांग्रेस नेता पहुंचे। उन्होंने होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। तोड़फोड़ की स्थिति को देखते हुए भाजपा ने देर रात अपने 106 विधायकों को गुरुग्राम के होटल में पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस और निर्दलीय विधायक भोपाल से जयपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम कमलनाथ का कहना था कि कांग्रेस को कोई संकट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह और लाखन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को याचिका पेश की। 6 मंत्री सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश में होली के दिन सुबह शुरू हुआ सियासी घटनाक्रम अब भी जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।